हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको 25 पैदा होने वाले लड़के और लड़कियों के स्वभाव के बारे में और उनके लिए कौन से नंबर लकी हैं, कौन सी डेट्स लकी हैं, कौन सी वार लकी हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जिन लोगों की जन्म तारीख 25 है, वे लोग आमतौर पर यात्रा के दौरान पढ़ना पसंद करते हैं। इस अंक का कारक ग्रह वरुण है और यह जल का कारक है। जल पर चंद्रमा का सीधा असर होता है और चंद्र के असर से इन लोगों का स्वभाव थोड़ा चंचल हो जाता है। इन लोगों को विदेश यात्रा पर जाना बहुत पसंद है और इन्हें समाज की अलग अलग तरह की जानकारी एकत्र करना भी बहुत अच्छा लगता है। ये घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग और लाइफ में कई बार इनको विदेश यात्रा पर जाने का मौका भी मिलता है। घर परिवार में इन लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होती है और समाज में भी इनको बहुत उच्च स्थान मिलता है और समाज में ये एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं और काफ़ी मान सम्मान पाते हैं। इस अंक पर सीधे असर डालने वाला ग्रह चंद्र हमारे मन का स्वामी भी होता है और हर माह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इस अंक के लोगों को चंद्रमा विशेष रूप से प्रभावित करता है। ये लोग बहुत ही मॉडर्न ख्यालों के होते हैं और इन्हें पुरानी परंपराएं पसंद नहीं होती, यानी कि ये मॉडर्न तरीके से लाइफ को जीना पसंद करते हैं। इन लोगों के लिए जो वार शुभ है वो है रविवार और सोमवार और माह की 1, 7, 10, 16, 19, 25, 28 और 31 ये सारी तारीखें इनके लिए शुभ हैं। और एक बार दोबारा सुन लें, 1, 7, 10, 16, 19, 25, 28 एंड 31 ये सारी तारीखें इनके लिए बहुत ही शुभ हैं। कोई भी नया काम शुरू करना हो तो इनमें से किसी एक तारीख को करें, इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इनके लिए हरा, पीला, सफ़ेद, क्रीम और हल्के रंग विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। इन्हें गहरे रंगों का उपयोग से बचना चाहिए, जैसे कि काला या गहरा रंग है या नीला गहरा रंग है, ऐसे रंगों का इस्तेमाल इन्हें कम से कम करना चाहिए। और इन्हें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना चाहिए। अगर गंगा जल अवेलेबल है, इनके पास उपलब्ध है, तो अगर हर रोज ये शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ाएं तो इनको इनके ऊपर भगवान शिव की बहुत ही अच्छी कृपा होगी, तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो ये मेरा वीडियो जो था, यह था 25 तरीकों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनका जन्म इनमें से किसी भी तारीख को हुआ है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो याद रखें कि सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल का निशान होता है, उसके ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।